जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं सूरज मिश्रा और आ गया हूं फिर से एक नए जर्नी और नए ब्लॉग के साथ। फिलहाल मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है हरिद्वार से सुबेदारगंज प्रयागराज के बीच में डेली रनिंग ट्रेन हरिद्वार सुबेदारगंज एक्सप्रेस से। चलते हैं स्टेशन के अंदर और आपको दिखाते हैं हमारी ट्रेन का अराइवल यहाँ से। हरिद्वार के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी है हमारी ट्रेन और बात करें अगर ट्रेन की तो देहरादून सुबेदारगंज एक्सप्रेस ये एक डेली रनिंग ट्रेन है जो कि देहरादून से 1:25 पर खुलती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 5:55 पर सुबेदारगंज पहुंचा देती है। 860 किलोमीटर की ये कंप्लीट जर्नी ये 16:30 में कवर करती है। ये है अपनी कोच, आइए बोर्ड करते हैं इसमें। एक्चुअल टाइम 2:55 पे हमारी ट्रेन निकल गई है हरिद्वार से। खाने पीने की सुविधाएं भी यहां पर मिल जाएंगी आपको। भैया टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया है 3:25। हरिद्वार से 30 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हम आ गए अपने पहले स्टॉप लक्सर जंक्शन पे। यहाँ पर इसका 5 का हॉल्ट है और ट्रेन में भीड़ की बात करें तो ट्रेन में भीड़ बहुत ज्यादा। फिलहाल यहाँ 5 का हॉल्ट है और यहाँ से एक रूट निकल जाती है आपकी रुड़की सहारनपुर होते हुए अम्बाला के लिए, इसलिए ये जंक्शन है, और दूसरी रूट निकल जाती है मुरादाबाद के लिए। सो हम बढ़ेंगे अब मुरादाबाद की तरफ, चलिए मिलते हैं आपसे इसके डिपार्चर पर। ये
नजीमाबाद कोटद्वार एक्सप्रेस, ये तीन डिब्बों की है ट्रेन। यहाँ से एक रूट कट जाती है कोटद्वार के लिए और दूसरी रूट निकल जाती है मुरादाबाद के लिए। ये रूट कट गई कोटद्वार के लिए। हरिद्वार से 170 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करके हम पहुंच गए हैं मुरादाबाद जंक्शन। हरिद्वार से मुरादाबाद के बीच में भी काफ़ी सारे स्टॉपेजेस थे, हर कुछ थोड़े देर बाद रुक जा रही थी, तो सारे स्टॉपेजेस कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी हम पहुंच गए हैं मुरादाबाद जंक्शन और मुरादाबाद से चार रूटें कटती हैं। यहाँ से एक रूट कट जाती है आपकी बरेली होते हुए लखनऊ के लिए, दूसरी रूट कट जाती है अम्बाला दिल्ली की तरफ, अम्बाला और दिल्ली की तरफ, और एक रूट जिधर से हम आ रहे हैं हरिद्वार की तरफ, और एक रूट यहाँ से कट जाती है चंदौसी जंक्शन होते हुए अलीगढ़ की तरफ जिधर हम निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऑन टाइम है हमारी ट्रेन और यहाँ पर 8 मिनट का स्टॉपेज है। सो कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं। हमारे दूसरे साइड खड़ी है उदयपुर सिटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस। मुरादाबाद से हमारी ट्रेन डिपार्चर होते हुए और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है बरेली भुज आला हजरत एक्सप्रेस। बरेली भुज एक्सप्रेस है, आला हजरत एक्सप्रेस खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और ऑन टाइम हमारी ट्रेन डिपार्चर होते हुए।
मुरादाबाद स्टेशन पर खाने पीने के स्टॉल्स हैं, तो आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने भी यहाँ से एक अंडा बिरयानी लिया था। मुरादाबाद जंक्शन बचा के उतरिएगा बस। बचा के उतरना मुरादाबाद से निकल के हम पहुंच गए हैं चंदौसी जंक्शन। चंदौसी जंक्शन पे इस ट्रेन का आधे घंटे का स्टॉपेज है, क्योंकि इंजन रिवर्स होता है, अपोजिट साइड लगेगा, फिर हम निकल जाएंगे अलीगढ़ वाले रूट पे। यहां से एक रूट कट जाती है बरेली के लिए, इसलिए चंदौसी जंक्शन है। सो यहां पर खाने पीने का भी सामान मिल जाएगा आपको चंदौसी जंक्शन पे। और सो आइए इंजन चेंज दिखाते हैं, फिर यहां से डिपार्चर दिखाते हैं आपको। ट्रेन का इंजन चेंज हो गया है, अब यहाँ से डिपार्चर दिखाते हैं आपको। थोड़ी थोड़ी ठंड है अभी, तो थोड़ा गला भी जाम हो गया है। चलिए आपको यहाँ से डिपार्चर दिखाते हैं। इंजन चेंज होने के बाद हम निकल गए हैं चंदौसी जंक्शन से। हमारी ट्रेन निकल गई है चंदौसी जंक्शन से, और इसके बाद जो अगला स्टॉपेज पड़ेगा वो पड़ता है अलीगढ़ जगह पे। थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो अभी मैं अब सो जाऊंगा और आपसे मिलूंगा कल सुबह जब ट्रेन अराइवल होगा अब सुबेदारगंज में।
फाइनली हम पहुंच गए हैं सुविधारगंज। जो इसका अराइवल का टाइमिंग है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब सुबह सोने का टाइम है और ये सुबह सुबह ही पहुंचा देता है। तो एकदम ऑन टाइम पहुंची है यहाँ पर 6 बजे, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची है सुविधारगंज के। सो ये जर्नी यहीं पे कंप्लीट होती है। चंदौसी जंक्शन से जब हमारी ट्रेन निकली थी तो उसके बाद भी कई सारे स्टेशन पड़े थे, अलीगढ़ जंक्शन, कानपुर और फतेहपुर होते हुए। तो हमारी ट्रेन पहुंची है सुविधारगंज। सो जर्नी यहीं पे कंप्लीट होती है। कैसी रही कंप्लीट जर्नी ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं फिर किसी दिन किसी एक नए जर्नी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।